में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले सुपरस्टार ऋतिक रोशन के मच अवेटेड मूवी फाइटर के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे फाइटर मूवी को इंडिया भर से और ओवरसीज से कितने स्क्रीन मिले। तो दोस्तों, बात की जाए फाइटर मूवी के लीड रोल के बारे में, तो इस मूवी में हमें देखने वाले लीड रोल में ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगी दीपिका पादुकोण। तो दोस्तों, बात की जाए फाइटर मूवी की, तो इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण बड़े पर्दे पर एक साथ देखने वाले हैं, वो भी एक्शन करते हुए। बात की जाए ऋतिक रोशन के बारे में, तो ऋतिक रोशन इससे पहले हमें देखने को मिले तो विक्रम वेदा मूवी में, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। तो दोस्तों, विक्रम वेदा के बाद ऋतिक रोशन सर की मूवी हो चुकी है फाइटर रिलीज, जिससे उन्हें काफी उम्मीद है। तो दोस्तों, बात की जाए सुपरस्टार ऋतिक रोशन की मच अवेटेड मूवी फाइटर के स्क्रीनिंग के बारे में, तो इस मूवी को इंडिया भर से लगभग 4,300 की स्क्रीनिंग मिली है इंडिया भर से। तो बात की जाए इस मूवी को ओवरसीज स्क्रीनिंग की, तो इस मूवी को ओवरसीज से 1,800 स्क्रीन मिल चुके हैं। बात की जाए इस मूवी के वर्ल्ड वाइड स्क्रीनिंग के बारे में, तो 6,100 से ऊपर की स्क्रीनिंग मिल चुकी है इस मूवी को। साथ ही साथ बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो 200 करोड़ के ऊपर का बजट है इस मूवी का। तो दोस्तों, बात की जाए ऋतिक रोशन सर के मच अवेटेड मूवी फाइटर के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 25 से 28 करोड़ के बीच में। तो दोस्तों, बात की जाए फाइटर मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो ये मूवी वर्ल्ड वाइड से 45 से 50 करोड़ के बीच में कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है फाइटर मूवी का आने वाले दिनों में कलेक्शन बढ़ सकता है या घट सकता है, कमेंट में जरूर बता देना। और दोस्तों, इस मूवी से जुड़े अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।